बाराबंकी से बड़ी खबर मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री गोविंद नारायण शुक्ला कस्बा पदोसराय पहुंचे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हित के लिए तमाम सराहनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा किसान निधि सम्मान योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए आए हैं। आवास, पानी, बिजली जैसी तमाम कल्याणकारी योजनाओं को किसानों को बताया। उन्होंने कहा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी भाजपा सरकार ने दिया। कई सारी योजनाओं के बारे में किसानों को प्रदेश मंत्री ने जानकारी दी। इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम सम्भ्रांत व्यक्ति भी मौजूद रहे। क्षेत्रीय विधायक सदवस्थी, लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र रावत, गोपी चंद्र वर्मा सहित तमाम लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। बाराबंकी से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है, नरेंद्र मोदी जी ने काम गांव में भी किया है। दो साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सिर्फ 7 और 8 घंटे बिजली रहती थी। आप सब जानते हैं कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 7-8 घंटे बिजली रहती थी। और 16 दिन बाद जब योगी आदित्यनाथ जी बैठे इस गद्दी पर, उसके 16 दिन बाद कैबिनेट ने फैसला लिया और योगी जी ने कहा कि जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली, तहसील मुख्यालय पर 20 घंटे बिजली और गांव में 18 घंटे बिजली देने का काम किया जाएगा। और आज हर गांव को 18 घंटे बिजली देने का काम किया जा रहा है।